एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टुडे इज 29 एंड सैटरडे। अभी मैं जहानाबाद में हूँ। एक्चुअली आई वाज कॉल्ड बाय समवन, शी सेड कि आई मीन शी हैज सम जॉब फॉर मी, अ गुड जॉब फॉर मी, एंड सो आई थॉट कि आई शुड पे वन विजिट ओवर देयर। सो आई केम हियर एंड आई एम वेटिंग फॉर हर। एक्चुअली मैं यहाँ पहले ही आ गया हूँ। आज ट्रेन की जर्नी थी, तो मैं ट्रेन से यहाँ आया हूँ जहानाबाद। जहानाबाद से थी राजा बाजार। ये राजा बाजार है, ये राजा बाजार है, राजा बाजार पुल के पास जगह का नाम है वो। आई फोन्ड हर, शी सेड कि वेट देयर एंड आई एम कमिंग, शी इज कमिंग एंड आई हैव टू बी हियर अनलेस यू कम। तो सर लेट कम। गेस व्हाट हैपेंड, आई मिस माय ट्रेन। एक सेकेंड सर, आई वॉज रनिंग फॉर द ट्रेन। मेरा काम हो गया जहानाबाद में, कुछ काम था शायद, और आई सॉ माई ट्रेन पासिंग अवे इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरे सामने ही छूट गया। आई वॉज रनिंग अलॉट, ज़्यादा स्पीड नहीं था, मैं सोचा कि थोड़ा सा चढ़ जाऊँ, लेकिन पुलिस भी बगल में था। आई अफ्रेड, डर गया था थोड़ा सा कि पुलिस मारेगा। सो आई डिडंट रन एंड कैच द ट्रेन व्हाइल इट वाज ऑन मूव। सो आई मिस द ट्रेन एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन टू कम। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शेखर राइट, ओके। अभी 45 मिनट बाकी हैं, सो टिल देन आई थिंक आई शुड हैव माई लंच। सुबह से खाना नहीं खाया, पता है ट्रेन में थोड़ा सा 10 पैकेट नमकी खाए थे बस, वही है। सो सी व्हाट हैपेंस, आई थिंक आई शुड गो टू अ ढाबा। ढाबा नहीं मिला है, भूंजा का ही मिला है दुकान, तो वहीं पे ले रहे हैं। 100 ग्राम का लगभग 20 रुपया, तो वही भूंजा है अवेलेबल। ढाबा तो अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो इसी से काम चलाते हैं। तब तक ट्रेन आ जाएगी, तो आई थॉट कि आई शुड नॉट गो मच फार अवे फ्रॉम द स्टेशन, अदरवाइज आई लूज द ट्रेन वंस अगेन। तो आई थॉट, हाँ देखिए कौन सा वाला चाहिए आपको, कमेंट प्लीज। बहुत ही अच्छा बनता है यहाँ पे, ये हरा चटनी, चटनी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चटनी कई तरह का होता है। भैया बना रहे हैं, मेरा हो गया है। हमें चाय भी दे दीजिएगा, चाय और चटनी भी। ये चटनी कच्ची का बना हुआ है, मिर्चा लहसुन का, ठीक है। अब हमको पैसा देना होगा। हमारे देश में सब भूंजा बहुत खाते हैं एंड स्पेशली टुडे सैटरडे को भूंजा खाना चाहिए। भैया ने भूंजा अच्छा बनाया है, आई कैन शो यू। ये है हमारी भूंजा, जिसके साथ 2 मिर्चाए चिल्ली एंड चटनी ग्रीन वाला। सो भूंजा इसलिए ज़रूरी है सो दैट इट एक्ट्स एज ए रफेज फॉर योर डाइजेशन, रफेज के लिए काम करता है भूंजा। सो भूंजा हमें रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए, ताकि हमें साफ़ होने में हमारा पेट अच्छा से साफ रहे और अच्छा से डाइजेस्ट होए। सो मुझे अभी हम भूंजा खा लेते हैं, आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। सो भूंजा से ही काम चलाना पड़ेगा फिलहाल, ओके। सो कमेंट, डू यू लाइक भूंजा और नॉट, एंड लेट मी नो, थैंक यू।